स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू एस आई एस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है बहुत तेजी से करेंगे। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। सो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरा अगर देखेंगे, 3x³ -2x² प्लस 4x प्लस सॉरी -3 पे अगर हम फोकस करेंगे, सो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या है, -2। ओके सो एक्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2। ओके क्वेश्चन नंबर बी अगर देखेंगे, सो फाइंड दी प्रोडक्ट। सो बहुत इजी है, 3x² प्लस 2x प्लस 4 ब्रैकेट 0। देखिए होल ब्रैकेट में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो किसी भी टर्म्स में 0 का मल्टीप्लाई होगा, सो फाइनल आंसर हमको क्या फाइंड होगा, 0। ओके क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड दिस सम। सम फाइंड करना है, सो कौन से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x² प्लस 2y² प्लस 4xy, ये फर्स्ट है, और सेकेंड है हमारी 5x² प्लस 8y² प्लस 6xy। सो सम फाइंड करना है, सो एस यू एम सम, ऐसे एरो का साइन लगाएंगे, 3x² प्लस 2y² प्लस 4xy, और ये कॉमा के प्लेस पे देखिए क्या करेंगे, प्लस 5x² प्लस 8y² प्लस 6xy। अब x² टर्म्स x² के साथ ऐड होगा, y² के साथ सॉल्व होगा, और xy के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, सो वन फर्स्ट लाइन डबल लाइन सिंगल लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। सो एक्स 3x² प्लस 5x² दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, 3 + 5 8x² y² के 2x² 8y² टू टर्म्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, फाइनल आंसर 10y² 4xy प्लस 6xy, फाइनल आंसर 10xy। ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि रिवीजन का मतलब ही क्या होता है, बस एक जो आपके माइंड में है वो चीज़ रिपीट हो जाए कि हाँ मैंने ये करी थी। सब्ट्रैक्ट करना है, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट 6a³ प्लस 3a² माइनस 4a प्लस 7 फ्रॉम 3a³ प्लस 3b² माइनस 4b प्लस 3। ओके सो फ्रॉम की कंडीशंस में सब्ट्रैक्शन मैंने क्या बताया, सेकंड वाला टर्म्स होगा वो पहले नोड होगा, फर्स्ट वाला लास्ट में। ठीक है, सो जो फ्रॉम के अदर साइड है, फ्रॉम के बाद वाला वो पहले नोड होगा, मींस ये वाला सर्किल वाला जो आपको दिख रहा है कॉपी में, पहले टर्म्स नोड होगा, 3a³ प्लस 3b² माइनस 4b प्लस 3। देखिए ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, अब माइनस लगाएंगे फ्रॉम की प्लेस पे माइनस, अब फर्स्ट वाला जो टर्म्स था वो बाद में नोट करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म्स क्या, ब्रैकेट जरूर यूज़ करें क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल्स टर्म्स हैं। सो 6a³ प्लस 3a² माइनस 4a प्लस 7, क्यों ब्रैकेट लगाए, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बेटा आउटर साइड क्या है, आउटर साइन माइनस है, सो ऑल साइन विल बी चेंज। ओके सो 3a³ प्लस 3b² माइनस 4b प्लस 3 एंड माइनस, देखिए सेकंड ब्रैकेट्स ऑल साइन टर्म्स, ऑल टर्म्स साइन विल चेंज, माइनस 6a³ प्लस माइनस माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस 4a एंड प्लस माइनस माइनस 7। ओके सो 3a³ माइनस 6a³ बोथ आर ए क्यूब टर्म्स एंड फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकेंड इज निगेटिव, सो फाइनल आंसर माइनस 3a³। ओके 3b² बी स्क्वायर टर्म्स कोई और नहीं है, एक मिनट, क्या मैंने गलत नोट किया है, चेक कर लेते हैं, 3b² नहीं, तो देखिए a² b² की कोई दूसरा टर्म्स ही नहीं है, तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, वो ऐसे ही नोट हो जाएंगे, प्लस 3b² माइनस 3a²
और बी वाले टर्म्स भी और ए वाले टर्म्स भी वैसे ही है, माइनस फोर बी प्लस फोर ए, और साइन का बेटा जरूर याद रखिए कांस्टेंट देखिए हैं, प्लस थ्री माइनस सेवन सो माइनस फोर, वन इज पॉजिटिव सेकेंड इज निगेटिव सो सब्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ साइन बोथ टर्म साइन इज अपोजिट, ओके सो प्लस थ्री माइनस सेवन माइनस फोर, ओके सो दिस इज आंसर। ई नंबर क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के सेशंस का। सो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई क्यूब, ओके सो दिस इज देखिए कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, ओके सो कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, सो थ्री टू जा सिक्स और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ऐसे ही नोट हो जाए क्योंकि दोनों ही क्या है डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ओके सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो सब ज़्यादा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 2.5xy इंटू 4x स्क्वायर वाई, ओके देखिए दो वेरिएबल्स हैं और ठीक है कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, सो 2.5 का 4 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे सो आपको यहाँ 100 मिलेगा और पॉइंट एक पॉइंट लगा ना तो 10 फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 4 20 टू कैरी, 5 4 2 8 2 10 लास्ट से एक पॉइंट काउंट कर लेंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, उस फाइनल आंसर होगा 10। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ओके सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर देखिए एक्स जब वेरिएबल्स का सेम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होगा सो पावर क्या होती है, एक्स की पावर क्या है 1, पावर क्या होंगी ऐड होंगी, एक्स इजल्स टू 1 + 2 3 सो एक्स क्यूब एंड सेम प्रोसेस वो भी है वाई इंटू वाई स्क्वायर सॉरी वाई इंटू वाई देखिए बोथ बोथ पावर इज 1 वाई इंटू वाई वन वाई पावर वन वाई पावर वन सो वाई पावर 1 + 1 2 ओके वाई स्क्वायर। एंड ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका माइनस टू एक्स क्यूब वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस टू एक्स वाई, ओके सो देखिए सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो सबसे पहले साइन तो माइनस ही का आएगा सर, साइन माइनस का ही आएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व कांस्टेंट में 12 हो जाएगा। अब बचा वेरिएबल, सो सेम वेरिएबल के पास नोट होंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स वाले टर्म्स मैंने सेम वेरिएबल को सेम और वाई वाले टर्म्स नोट कर लेंगे, वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई, ओके अब देखिए मैंने क्या बताया था सेम वेरिएबल्स की पावर क्या होती हैं ऐड होती हैं, एक्स क्यूब एक्स 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 एक में 3 पावर एक में 2 एक में 1, ओके सो नंबर ऑफ पावर 3 + 2 5 + 6 1 6 ओके एंड वाई 1 1 1 + 2 3 3 + 1 4 ओके सो फाइनल आंसर -12 एक्स ऑफ पावर 6 एंड वाई ऑफ पावर 4, ओके सो क्लास यहीं से ओवर करते हैं यहाँ, सो बाय टेक केयर।